हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, आपको टाइम कम लगेगा, वीडियो का एक भी हिस्सा नहीं छोड़िएगा आपके आने वाले टाइम में। अगर रेलवे सेक्टर से इनडायरेक्टली पैसा बनाना है, मतलब आपका हिडन जेम्स बता रहा हूँ, जो कि एकदम हिडन तरीके से काम कर रही है, और अभी हाल फिलहाल पे एक बहुत बड़ी डील हुई है, कौन से कंपनी से हुई है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, इस स्टॉक में एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिला था, और इस रनअप के बाद में इस स्टॉक में एक करेक्शन भी देखने को मिला था। ये डाउन ट्रेंड था इस स्टॉक का, क्योंकि ये जो है ना, ये लोअर हाइज बन रहे थे इस स्टॉक पे, बट अभी देखिए अब हाइयर हाइज बन रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वेव है ना, ये करेक्शन अगर आ जाता है यहाँ तक ना, इस लेवल तक, जो कि है ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 3700 के आसपास में, 3700 3600 के पास में आए, तो इस स्टॉक को बंच कीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो इस स्टॉक को उठा के रख सकते हैं, बिकॉज इस स्टॉक का चार्ट जो है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं इस स्टॉक की, इस कंपनी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। ये कंपनी क्या करती है, अगर रेलवे सेक्टर पे नहीं भी रही तो कंपनी आपको प्रॉफिट दे सकती है या नहीं दे सकती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और जानते हैं अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये एक छोटी कंपनी है, मतलब इनका टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटल 13,000 करोड़ की मार्केट कैप रखने वाली, जिसका प्राइस है ऑलमोस्ट आप देख पा रहे होंगे 3900, 4000 का है ये स्टॉक। अगले कुछ महीनों या सालों के अंदर में, एक दो सालों के अंदर में, ये पक्का इसका फेस वैल्यू होगा, स्प्लिट होगा इस स्टॉक पे, और इसकी प्राइस को रिड्यूस की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इसे आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव मानिएगा, गारंटी नहीं मानिएगा। कंपनी करती क्या, सबसे बड़ी चीज़ ये है, और कंपनी क्यों इनडायरेक्टली रेलवे सेक्टर पे है, और ये क्लॉथी कंपनी है बॉस, इस चीज़ को ध्यान पे रखिएगा। अंबर इंटरप्राइजेज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 1956, 23% का टोटल रूम एयर कंडीशनर मार्केट है। अब कहेंगे कि हिताची, वोल्टास और जो भी और भी जो एयर कंडीशनर बनाती वो कंपनीज कहाँ गए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है अंबर इंटरप्राइजेज, इज द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, और ये जो है ना, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेके ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और देखिए, अभी जो करंट इनका पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। देखिए, 29% जो है ना एयर कंडीशनर पे है, और नॉन एयर कंडीशनर कंपोनेंट्स भी ये कंपनी बनाती है, REC इंडस्ट्रीज पे भी है। प्रोडक्ट रेंज जो है ना, हीट एक्सचेंजर है, फेंस है, कंडेंसिसर्स है, PCBs है, मोटर्स है, कैस लाइनर्स है। देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारा का सारा कंपोनेंट जो है ना, वो उसी डिवाइस पे लगती है जहाँ पे हम लोगों को जो एयर को है ना, वो कंडेंस किया जाता, मतलब कंडेंस करने के बाद में ठंडा किया जाता, चाहे वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हो या फिर एयर कंडीशनर पे हो। और ये तो छोटी मोटी एयर कंडीशनर आपने देखा होगा। अभी रेलवे के साथ में जो कंपनी के साथ में टाई अप हुई है ना, वो टीटागढ़ वेगन के साथ में इनका टाई अप हुआ है, और रेलवे का जो फुल मॉडिफिकेशन चल रहा, आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे ये कंपनी जाके खड़ी होएगी। अगर रेलवे का पूरा ये कूलिंग सिस्टम इनको मिलता है, आगे आने वाले टाइम में मेट्रोज की बात की जा रही है, वंदे भारत की बात की जा रही है, और न जाने 12 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट रेलवे सेक्टर पे, ये आपको पता नहीं है। एलोकेशंस दिखिएगा इस गवर्नमेंट के आते ही, आपको दिखेगा सारे रेलवे सेक्टर पे बहुत ज़बरदस्त तेज़ी। इसे आप एक इन्फॉर्मेशन मान सकते हैं, गारंटी नहीं मान सकते हैं। मैं डिस्क्लेमर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ पर ले रहे हैं, और अपना जो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा वो इन्वेस्टमेंट इस नॉलेज और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लीजिएगा, क्योंकि तभी आप लंबा समय होल्ड कर पाइएगा स्टॉक पे। मेरा काम है अब तक बताना। देख लीजिए, इस कंपनी का जो REC है ना, 43% कंट्रीब्यूट करती है इनके फाइनेंशियल बैलेंस शीट पे, इंक्लूडिंग विंडो एयर कंडीशनर है, इंडोर आउटडोर है, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स है, तो ये तो हो गया। रेफ्रिजरेंट सिस्टम्स है इनके पास में। इलेक्ट्रॉनिक्स पे 16% की इनके पास में, होम अप्लायंसेस है, टेलीकॉम सेक्टर का भी ये कंपोनेंट्स बनाती है, तो 16% का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो भी बहुत अच्छा, मतलब आगे आने वाले टाइम में हो सकता है।
सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में बात की जा रही है। अभी म्यूचुअल फंड्स आया हुआ HDFC का मैन्युफैक्चरिंग, भैया जिन्होंने अभी म्यूचुअल फंड करना है ना, NFO आया हुआ उस कंपनी का, वो कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उसकी पूरी डिटेल्स के लिए, तो हम आपको बताएंगे कि उसका मैन्युफैक्चरिंग जो आने वाला है उसको क्यों लेना चाहिए। चलिए, कंपोनेंट्स है 30% की इस कंपनी की, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। मुझे ऐसा लगता है कि HAVC सॉल्यूशन से लोको ड्राइवर्स, देख लीजिए आप, ठीक है, हैवी व्हीकल्स के लिए जो इंडिया की जो पूरा इकोनॉमी है ना, सभी जगहों पे एक्सपेंड होने वाली है। और आपको पता है कि जब डेवलपमेंट्स होएगी ना, तो आराम की चीज़ें चाहिए, और आराम आपको एयर कंडीशनर्स छोड़ के कोई भी नहीं दे सकता है। मोटर व्हीकल्स में भी इनका है, क्लाइंट देखिए बहुत ज़बरदस्त है, LG, हिताची, महिंद्रा। तो ये तो थी अभी तक की इस कंपनी की बिजनेस मॉडल। आगे हम लोग देखेंगे इस कंपनी का चार्ट स्ट्रक्चर। देखिए ये कंपनी जो है ना, अगले 3 साल के अंदर में जो रिटर्न्स निकाल के दी है, वो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2000 से 4000 तक ये स्टॉक पहुँची है। 10 सालों का रिटर्न्स इस कंपनी का कैसा रहा, तो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। कंपनी 1000 रुपये से 4000 तक पहुँची है, और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। बट आपको आने वाले सालों में ये कंपनी और ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाल के दे सकती है, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज जो टाई अप्स हुए हैं उससे कंपनी का रेवेन्यू निकल के आएगा। देखिए, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि इस स्टॉक पे पैसे लगाना, नहीं तो आप अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2023 तक में 9 सालों में इस कंपनी की सेल्स 1000 करोड़ से 6000 करोड़ तक पहुँच गई है, और ये जो है 6000 करोड़ की 7000 करोड़ की इवन सेल्स पहुंच चुकी हैं। और कंपनी की प्रॉफिट देखिए 22 करोड़ से लेके 164 करोड़, जो डिज़र्व करती है ना प्राइस, वो प्राइस इस कंपनी को अभी तक नहीं मिली है, मुझे ऐसा लगता है। इस कंपनी का EPS ग्रोथ देखिए, कंपनी का 46 पे है। कंपनी का PE अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो वो 93 पे है, जो काफ़ी कॉस्टली नज़र आ रहा। इंडस्ट्री का PE 77 और स्टॉक का PE जो है ना 93 है, तो अभी क्या थोड़ा सा महंगा, अपने बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 8 times ऊपर पे ट्रेड कर रहा, तो इन कंपेरिजन टू ये भी काफ़ी महंगा लग रहा। अगर ये स्टॉक 500 पे मिल जाए तो आपके लिए बल्ले बल्ले, बट मुझे लगता है कंपनी 500 पे कभी नहीं दिखेगी और ये ऊपर ही रहेगा। इस तरीके के स्टॉक्स इसी तरह से ऊपर चलते ही जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो ये एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है, एक एनालिसिस है, जो आने वाले टाइम में आपको पैसे बहुत मल्टीफोल्ड पे बना के दे सकती है। आपने कभी सोचा होगा कि वेरा इंडस्ट्रीज़ पे कोई किसी ने पैसे लगाया होगा, रिटेल निवेशकों ने, और इसमें पैसे बनाया होगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ये जो ये वेरा रिन्यूअल्स, ठीक है, इस कंपनी की क्या आपने पैसे लगाए होंगे? मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। देखिए कंपनी ने क्या प्रॉफिट निकाल के दिया, मैक्सिमम चार्ट उठा के दिखाता हूँ। कंपनी रॉकेट बन गई, कहाँ पे थी 26 रुपये का स्टॉक, कहाँ तक पहुँची, 26 तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। 2020 में ये 3 रुपये पे था स्टॉक, और आज के डेट में 3000 पे ट्रेड कर रहा। आपने सोचा होगा कि कितना गुना पैसा इस स्टॉक ने बना के दिया? अगर इस स्टॉक का प्राइस 3 रुपये पे भी अगर आपने पकड़ा होगा और 3000 तक पहुंचा, तो 1000 गुना आपके पैसे को कर दिया इसने। 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ होगा आप समझ सकते हैं? 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने देखा। ये तो मैं अभी जो आपको प्राइस दिखा रहा हूँ ना, ये स्प्लिट होने के बाद का प्राइस है। 10000 तक पहुँचा ये स्टॉक। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ इस कंपनी का जो अभी हाल फिलहाल पे जो स्प्लिट हुआ था। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आया होगा, वो आपको दूसरे सेक्शंस पे नज़र आएंगे, ठीक है ना। ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, जिसके वजह से आपको ये दिख रहा है कि ये 3000 पे दिख रहा है, ठीक है ना। देख लीजिएगा इसका फेस वैल्यू चेंज होगा, 10 रुपये से ये कम हो चुका। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, एक मिनट आप रुक जाए, देख लीजिए ये 2 रुपये पे आ गया है ना। जिसकी फेस वैल्यू 10 से कम है, इसका मतलब उस स्टॉक पे स्प्लिट हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई सेक्टर, कोई स्टॉक आपको इतना पैसा बना के दे सकता है, बट 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके कोई बैठा नहीं रह सकता। आज के डेट में उनकी कैपिटल ना 10 करोड़ की हो चुकी है 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। तो सोच लीजिए 4 सालों में ऐसा हो सकता,
बट मैं आपको जुआ खेलने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। एक लिमिटेड अमाउंट पे पैसा डालिएगा अगर आपको डालना भी होगा, अदरवाइज स्किप कीजिएगा अंबर इंटरप्राइजेस को, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। रिकमेंड तो बिल्कुल मत सोचिएगा, एक इन्फॉर्मेशन सोच के आप अपनी समझ के साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद में स्टॉक मार्केट पे पैसे लगाइएगा, बिकॉज रिस्क है। अगर रिस्क है तो इश्क है और साथ में रिवॉर्ड भी है। तो चलिए, हमारे चैनल पे लगभग 90,000 का सब्सक्राइबर हो चुका, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 1,00,000 तक कंप्लीट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।